स्लाइस देम, और ये है इनको मैं अपना या सॉस ऑयल में थोड़ा पकाएं। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। सो गाइस, प्रेजेंटिंग टू यू आंध्रा स्टाइल ग्रीन चिली चिकन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री हेड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा आएगा बिकॉज मैं किचन में हूँ एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रिपेयरिंग अ डिश। आई एम प्रिपेयरिंग आंध्र स्टाइल चिली चिकन, जो कि मैंने काफी सारे शेफ्स की रेसिपीज कैप्चर करके इधर उधर थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने बनाई है। एंड मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैंने रेसिपी अराउंड 95-98% मैच कर ली है, जो कि हमें बैंगलोर में मैंने खाया हुआ नागार्जुन होटल है, रेस्टोरेंट है, अगर आप लोगों ने वहाँ से खाया होगा। एंड आई एम श्योर अगर आप मेरी रेसिपी एग्जैक्ट फॉलो करें एंड यू विल ऑल्सो रीच द सेम लेवल ऑफ द वो जो डिलिशियसनेस होती है ना चिकन में, आप वही सेम पहुंचोगे। सो गाइस, लेट्स गेट गोइंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और मेरे साथ बने रहो, आगे चलते हैं, मैं आपको रेसिपी दिखाता हूँ इसकी स्टेप बाय स्टेप। गाइस, इसके लिए मैंने दो जगह मिर्ची ली है, एक तो मैंने यहाँ पे ली है अराउंड 15-18 मिर्चें, सो आई स्लाइस देम, और ये है इनको मैं अपना यूनिवर्सल ब्लेंडर में क्रश ब्लेंड करूँगा, तो वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज अगेन अराउंड 15-18 ग्रीन चिलीज। तो गाइस, ये मैंने अराउंड 1 kg चिकन के लिए ली हैं, 15-20 मिर्चियाँ हमें क्रश करनी है और 15 स्लिट कट करके हमें चिकन में डालनी है। अब हम इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। एक बार हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। ऑलमोस्ट देयर। या सो इट्स रेडी। अब आगे का स्टेप दिखाता हूँ आपको। तो ये हम बनाने वाले हैं कढ़ाई में। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लेके बोन्स वाला चिकन लिया था, उसको मैंने क्लीन करके इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट से मैरिनेट कर लिया। तो अभी गैस ऑन है, इसमें हम अराउंड 4-5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। सो गाइस, बस ऑयल अब गर्म हो गया, अब इसमें मैं पहले क्रश ग्रीन चिली डालूंगा। अब इसमें पानी डाल के रखेंगे और इसमें मैं जो मैंने स्लिट करी थी ग्रीन चिलीज वो भी अभी जाएंगी। Now I'll give them a good mix. इसके बाद आप 2-3 मिनट आप इन्हें ऑयल में थोड़ा पकाएं अंटिल द टर्न। हमने इन्हें ब्राउन नहीं करने देना, होने देना, उससे पहले हम इसमें चिकन डाल देंगे, जस्ट 2-3 मिनट्स। तो गाइस, अब इसे अराउंड 2 मिनट हुए हैं, अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगा। मैंने आपको बताया ये 1 kg चिकन है, इसको मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट में मैरिनेट करके रखा है। तो नाउ हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गाइस, इसमें ध्यान रखो इसमें कुछ नहीं जाएगा, मैंने थोड़ा सा सॉल्ट पहले चिकन मैरिनेशन के टाइम पे यूज किया और बाद में हम स्वाद अनुसार जैसे बोलते हैं हम बाद में सॉल्ट देखेंगे, अगर कम है तो हम सॉल्ट ऊपर से डालेंगे, पर आप उसके अभी अलावा और कुछ मत डालो, सिर्फ हरी मिर्चें और 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हैं, वो बस हम थोड़ा चिकन को सॉटे करेंगे। अभी हाई फ्लेम पे आप चिकन को पकाएं थोड़ा सा 2-3 मिनट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमने और क्या डालना है। अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 1.5 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस एंड अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ वाइट विनेगर। Give it a good mix. That's it, guys. इसमें और कुछ नहीं डलता है, सिर्फ विनेगर और सोया सॉस अलॉन्ग विद ग्रीन चिली एंड सॉल्ट। बताऊँ इसे अच्छी तरह, अभी मेरा फ्लेम हाई है, तो इसे एक 2-3 मिनट और पकाऊंगा और फिर हम इसे सिम पे
कुक होने देंगे ताकि चिकन मॉइस्ट और टेंडर हो जाए, चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए फॉर अनदर 30-35 मिनट्स। इसे अच्छी तरह आप मिक्स करो और बस फिर हम इसे ढक के पकने देंगे। तो भाई बस इसे और पकाते हो, 2-3 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा आप पानी ऐड कर देना। पानी हम ऑब्वियसली चिकन भी पानी छोड़ेगा पर हम ज़्यादा पानी छोड़ेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह पक जाए। बाद में ऑब्वियसली हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के थोड़ा ग्रेवी को थिक करेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। पर अब आप देखो इसमें वाटर लेवल है थोड़ा सा, बस अब हम इसे पकने देंगे ताकि चिकन अपने भी पानी छोड़े और उसी में पके। आप इसे ढक के फ्लेम धीरे कर देंगे और इसे आप पकने देंगे। गाइस देखो अभी इसे पकते हुए 10 मिनट के आसपास तो हो गए हैं। मैं बस थोड़ा सा इसमें पानी और डालूंगा बीच में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा चिकन अच्छी तरह गल जाए और बाद में जब हम कॉर्नफ्लोर डालें ना तो एकदम ये ड्राई ड्राई मत बने, थोड़ा सा वाटरी वाटरी सा हो ताकि यू कैन हैव इट विद रोटी और राइस, व्हाटएवर यू वांट। जस्ट हाफ अ कप ऑफ वाटर गाइस, और इसे हम और थोड़ी देर पकने देते हैं। वैसे आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बोलूंगा आप जरूर ट्राई करें एक बार घर पे। आई मीन इफ यू आर स्पाइस लवर्स, जो मिर्ची नहीं खाते वो तो आसपास अपना काफी कुछ मीठा वीठा शहद वहद रख के खाएं, टेस्ट करें अगर खाना तो। अदरवाइज इफ यू ट्राई दिस रेसिपी ये एग्जैक्ट, और प्लीज आप बताइएगा मुझे कि अगर ये सेम नागार्जुना टाइप स्टाइल बनी है जो भी लोग बैंगलोर के अगर किसी ने खाया है वहां से, तो बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट द सेम। चलिए गाइस, तो गाइस इसे अभी हाफ एन आवर हो चुके हैं पकते हुए और अब ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैंने इसका फ्लेम बढ़ा दिया है और मैंने बनाया स्लरी बनाई है मैंने अपना कॉर्नफ्लोर की, मैं इसमें डालूंगा। और इसे आप अच्छी से मिक्स कर देंगे। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था तो अब ये ऑलमोस्ट वैसा हो गया कि आप इसे रोटी के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो मंगाई है तंदूरी रोटी और साथ में उसे चटनी आएगी, तो यू जस्ट एंजॉय इट विद दैट। बस अब ये ऑलमोस्ट बन चुका है, तो बस आप गैस बंद करिए एंड यू कैन जस्ट एंजॉय। So guys, presenting to you Andhra style green chili chicken. Hope करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड डू ट्राई दिस रेसिपी एंड आई कैन बेट आई कैन गारंटी कि आपको सेम टू सेम एक्जैक्ट वही फ्लेवर आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाट एवर रीजन डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो एंड शेयर द चैनल, शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज़।